नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आप जब भी इस एक्सेल में कोई सीरियल नंबर बनाते हैं और आप ऐसे लिखते हैं उस पर, अक्सर किया क्या जाता है, यहाँ नंबरिंग दे दी जाती है। ये इस तरीके से हमने नंबर दे दिए हैं। अब आप इसको ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद आप जितना भी इसको लिखना चाहें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब मैं यहाँ से 6 नंबर को डिलीट कर रहा हूँ, तो देखिए ये डिलीट हो गया है। और ऐसे डिलीट करते करते आप देख रहे होंगे कि इनमें जो अंतर आता है, आप देख सकते हैं अब 4 के बाद 7 आ गया है। और हम चाहते हैं कि दोस्तों ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए, कि मैं डिलीट जिसको भी करूँ ये सीरियल नंबर जो है उसके साथ ऑटो अरेंज हो जाए। क्योंकि दोस्तों, ये अभी आप यहाँ पर 10 ऑप्शन देख पा रहे थे, तो आपको ये काम आसान लग रहा होगा। जब यहाँ पर हजारों लाखों में ये डेटा आता है, तब इस काम को करना मुश्किल होता है। और क्योंकि डेटा ही सब कुछ है आज के ज़माने में, और डेटा को कैसे हैंडल करना है, ये इसके छोटे छोटे टूल्स होते हैं। आप क्या कीजिए दोस्तों, इस तरीके से ही आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपको एक फॉर्मूला लिखना है, आपको फॉर्मूले में लिखना है इक्वल्स टू जो रो होती है हमारी ROW, इसके बाद आप दो ब्रैकेट लगा दीजिए, देन आपको लिखना है यहाँ पे -1। आप जैसे इसको लिखेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी देख लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको जो है यहाँ से एंटर कर दीजिए। देखिए मैंने इसको एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा, मुझे नीचे 2 भी नहीं लिखना है। मैंने इसको ड्रैग कर दिया है और देखिए दोस्तों, ये ड्रैग हो गया है। ठीक है, अब मैं हाल फिलहाल के लिए आपको ये यहाँ से हटा कर दिखा देता हूँ। अब आप इसको ध्यान से इसमें अंतर देखिएगा, ये करेगा क्या, मैं डिलीट करता हूँ 5-6 नंबर की जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों जो नीचे 11 थे वो 10 हो गए। अब मैं जो 7 है उसको डिलीट करता हूँ, तो नीचे 9 हो जाएंगे। और ये 7 डिलीट तो होगा, लेकिन ये रिप्लेस कर देगा 8, इसको 7 हो जाएगा वो। ये देखिए, ये इस तरीके से दोस्तों जो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम होता है ये फॉर्मूला लगाने से। आप किसी भी रो को डिलीट करें, रिमेनिंग रो उसको एडजस्ट होके ही बताएंगे कि अब कितनी वहाँ पर जो है यहाँ पर रो रह गई हैं। और इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, सिर्फ एक सिंपल फार्मूले की मदद से। आप ये सिंपल फार्मूला देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप देखिए सभी पर वो अप्लाई है फार्मूला। आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला बार में, आपको इक्वल्स टू रो लिखना है, ब्रैकेट लगाने हैं और -1 लिख देना है। तो दोस्तों, बहुत ही एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला था, लेकिन आपको लगभग हर एक्सेल शीट में जब भी आप सीरियल नंबर लिखेंगे आप इसको जरूर लगाएंगे। मैं इसकी आशा करता हूँ आप इसको सीखेंगे, इसको शेयर करेंगे और लोगों में, ताकि और लोगों के साथ जो दिक्कत आती है, बार बार डेटा तो चेक करना अलग केस होता था, वो सीरियल नंबर भी साथ साथ चेक करते थे, अब वह उस काम से बच जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।